नमस्कार, हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके लिए कोई ना कोई एक नया गेस्ट अपने चैनल पे लेकर आते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं जो आपके मतलब की, आपकी रुचि की या आपके जीवन में कुछ ना कुछ उसका आपके जीवन पे प्रभाव पड़े, इसी उम्मीद के साथ हम अपने ये टॉक शोज चलाते हैं। लेकिन आज पता नहीं मेरे मन में क्यों ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपसे एक बात करूं, वो बात जो कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे दिमाग में या मेरे जहन में बड़े दिनों से घूम रही थी कि इस विषय के ऊपर आपसे बात की जाए। और क्योंकि ये मेरे मन की बात थी तो मेरे को लगा कि शायद इसको मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कह सकेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का एपिसोड मैं ही आपके लिए पेश करता हूं। तो दोस्तों, आज आपको मेरे साथ ही एपिसोड एंजॉय करना पड़ेगा। अब आप कितना एंजॉय करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से ये मेरी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि जो आज का एपिसोड, जिस बात को दिमाग में रख के मैंने आपके लिए बनाया है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ नई सोच या कुछ नई दिशा आपको दे पाए। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मात्र दो शब्द, उम्मीद और भरोसा। अब आप कहेंगे उम्मीद और भरोसा क्या नई बात जो आप लेकर आए हो, ये तो सबके साथ सबके जीवन में चल ही रहा है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, उसके जीवन से उसको कुछ ना कुछ आशाएं हैं और उन आशाओं, उन उम्मीदों को, उन सपनों को वो किस तरह से पूरा करेगा उसका भरोसा भी उसके मन में है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि अक्सर हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो हम गलत जगह पे लगाते हैं और जो हमारा भरोसा होता है वो हम गलत जगह पे करते हैं। अगर मैं इस बात पे थोड़ा सा विस्तार के साथ बात करूं तो आप सबने इस चीज को बड़े गौर से या चाहते ना चाहते हुए कभी ना कभी महसूस किया होगा कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं हमने अपने आसपास के जो हालात हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं और जो हमारे आसपास के पर्यावरण में जो घटनाएं घट रही हैं हमने उनके साथ लगा रखी हैं। और हमारा जो भरोसा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे हालातों पे, हमारे साथ में रहने वाले लोगों पे या बहुत तक हमने अपने सिस्टम से लगा रखा है। यही सबसे बड़ा कारण है हमारी उम्मीदों के टूटने का और हमारे भरोसे के बिखर जाने का। परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो हम इस तरह से लगाते हैं कि फला इंसान हमारे लिए कुछ ऐसा करेगा जो हम चाहते हैं हमारे हिसाब से होगा और वो हमारी उम्मीद पर खरा उतरेगा और ये हम भरोसा भी करते हैं कि ऐसा ही हमारी जिंदगी में होगा। लेकिन दोस्तों, होता हमेशा इसके उल्ट है। जहां पर हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वहीं पर ही हमें सबसे ज्यादा ना उम्मीदी का सामना करना पड़ता है। और जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसी से हमें सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। और ये जीवन की एक अटल सच्चाई है जिसको हम सबको जितनी जल्दी हम मान लें वो हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारे जीवन की जितनी भी चिंताएं, जितनी भी परेशानियां, जितने भी दुख या जितने भी दर्द या जितने भी असहनीय परिस्थितियां हैं,
उसका एकमात्र कारण है कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो दूसरों पे लगी हुई हैं, और जो हमारा भरोसा है वो दूसरों के कामों और उनके परिणामों पे टिका हुआ है। अब आप कहेंगे तो फिर हम उम्मीद करें किससे, भरोसा रखें किसके ऊपर? ये है आज का असल सवाल। दोस्तों, हमें उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे रखनी है। जो गुण, जो काबिलियत या जो आपकी पर्सनैलिटी में ऊपर वाले ने आपको जिन हालातों, जिन गुणों या जिस यथाशक्ति के साथ आपको भेजा है, वो ही आपकी असल उम्मीद है। और उस पर ही अगर आप सच में यकीन करेंगे तभी आप अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे। फिर आप कहेंगे भरोसा किस पे रखें? दोस्तों, भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा पे रखना है। इस जीवन में परमात्मा से बड़ा भरोसा कोई नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारा तो भरोसा रहता ही परमपिता परमात्मा पे है, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे काम कर देता है या कुछ ना कुछ ऐसे हालात हमारी जिंदगी में हमारे सामने पेश कर देता है कि हमारा भरोसा परमपिता परमात्मा से उठ जाता है। मैं यहां पर आपसे बिल्कुल भी मतभेद नहीं करूंगा कि कई बार परमात्मा के फैसले इस तरह से होते हैं या वो इस तरह की परिस्थितियां हमें दिखाता है कि हमें लगता है कि वो हमारे जिंदगी के लिए नहीं है, हम उसके लिए नहीं बने हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका सीधा साधा सा एक ही जवाब है कि आपसे ज्यादा आपकी जिंदगी किस तरह से चलेगी परमपिता परमात्मा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कई बार उसके किए हुए फैसले आपको उस वक्त बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब उसका परिणाम आता है तो आपको वही फैसले, वही परमपिता परमात्मा के द्वारा दिखाया गया भरोसा ही आपके लिए जीवन में असल काम करता है। अब आप कहेंगे कि अगर जिंदगी का जीवन चक्र चलना है तो कहीं ना कहीं तो उम्मीद लगानी पड़ेगी, किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि कोई आपकी उम्मीद के हिसाब से आपकी बेहतरी के लिए काम क्यों करेगा? क्या कभी आपने सुना है कि फला इंसान के मरने के कारण आपको स्वर्ग मिलेगा? नहीं। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो मेरे दोस्त, मरना तुझे ही पड़ेगा। तेरे मरने पे ही तुझको स्वर्ग मिलेगा, किसी और के मरने पे तेरे को स्वर्ग कभी नहीं मिल सकता। और इसी तरह से किसी और के द्वारा की गई मेहनत या किसी और के द्वारा उसके गुणों के द्वारा पाया गया उसका परिणाम वो उसकी जिंदगी में खुशहाली लाएगा, ना कि तेरी जिंदगी। तेरी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए तुझे अपने ऊपर ही उम्मीद करनी पड़ेगी और परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए गए फैसले को जिस दिन आप पूरे तन मन और धन से स्वीकार कर लेंगे, उस दिन अपने जिंदगी की आधी परेशानियों को आप खुद ही समाप्त कर पाएंगे। कभी आंखें बंद करके सोचना और अपनी जिंदगी में हुए घटनाक्रमों को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखना कि कई बार जो उम्मीदें आपने कई बार दूसरों से लगाई थी उसके बनिस्पत जब आपने खुद से उम्मीद लगाकर वो काम किया, उसका जो परिणाम था वो हमेशा अच्छा आया होगा। और इसी तरह जिस वक्त आपको कहीं से कोई भरोसा, कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आई होगी,
उस वक्त परमपिता परमात्मा ने कुछ ऐसा किया होगा कि आपका इस सृष्टि के ऊपर, और वो एक अदृश्य ताकत जो संसार को चला रही है उस पे आपका भरोसा जरूर बना होगा। सोच के देखिएगा, आपके लिए जीवन शायद बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते चलते आज हम सिर्फ इतना कहेंगे कि उम्मीद सिर्फ अपने से रखो और भरोसा परमपिता परमात्मा पे रखो, आप जिंदगी में कभी भी नाकामयाबी का मुंह नहीं देखेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन में शायद कोई छोटा सा बदलाव ला पाए। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी एक कोशिश जो हमने की कि हम आपको ये आईना दिखा पाए कि खुद से उम्मीद रखना और परमपिता पे भरोसा रखना ही इस जीवन को सही ढंग से चला पाएगा। अगर आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगली बार हम आपको फिर से मिलवाएंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल मंथन। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड्स की तरह पसंद आया होगा।